नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और डिटेल नोटिफिकेशन वीडियो में। जो ये नोटिफिकेशन है वो आया है अलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से। तो अलाहाबाद हाई कोर्ट ने ग्रुप डी की वैकेंसी निकाली है, और जो ये वैकेंसी है खास करके आईटीआई स्टूडेंट्स के लिए है। तो क्या इस वैकेंसी के बारे में है, कितनी सीट्स हैं, कौन अप्लाई कर सकता है, लास्ट डेट और अप्लाइंग डेट क्या रहेगी, एज क्या रहेगी, इन सभी टॉपिक्स पे हम वन बाय वन बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना आज का ये डिटेल नोटिफिकेशन वीडियो। अब दोस्तों देखिए, जैसे कि आपको यहाँ पे स्क्रीन पे शो हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे देखिए 4 अक्टूबर यानी कि कल ही ये हमारा डिटेल नोटिफिकेशन है जो रिलीज किया गया है। अब अप्लाई करने की डेट, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, मतलब कि अप्लाई करने की डेट कब से स्टार्ट है, 4 अक्टूबर से यानी कि कल से स्टार्ट हो चुकी है। कब तक अप्लाई कर सकते हैं, तो आप 24 अक्टूबर 2024 तक अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट ऑफ सक्सेसफुल ट्रांजेक्शन, अब फीस जमा करने की लास्ट डेट क्या रहेगी, वो 25 अक्टूबर रहेगी, क्योंकि हो सकता है 24 अक्टूबर को फॉर्म फिल करने की वजह से सर्वर थोड़ा सा डाउन हो जाए, तो इसलिए फीस जमा करने की एक दिन और एक्सटेंड किया गया है। लेकिन सिर्फ आप 25 अक्टूबर को फीस ही जमा कर पाएंगे, आप फॉर्म में अप्लाई नहीं कर पाएंगे। फॉर्म अप्लाई आप 24 अक्टूबर तक ही कर सकते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेम ऑफ द पोस्ट, अब नेम मतलब कि कौन कौन सी पोस्ट है ग्रुप डी की इस वैकेंसी में जो कि हाई कोर्ट में निकली है। देखिए यहाँ पे ट्यूबवेल ऑपरेटर कम इलेक्ट्रीशियन, यानी कि आपको ट्यूबवेल ऑपरेटर और इसी के साथ ही इलेक्ट्रीशियन की भी जॉब रोल रहेगा आपका। प्रोसेस सर्वर, ऑर्डरली, पियन, ऑफिस पियन, फेरश, चौकीदार, वाटरमैन, स्वीपर, माली, कुली, बिस्टी, लिफ्टमैन, तो इस तरह की अदर वैकेंसीज भी, अदर पोस्ट भी अवेलेबल हैं ग्रुप बी की इस वैकेंसी में। अब बात कर लेते हैं फीस की। तो फीस देखिए, जनरल ईडब्ल्यूएस सॉरी जनरल यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी और ओबीसी के लिए है, हमारे पास जो फीस रहेगी वो 800 रुपीज रहेगी। ईडब्ल्यूएस और यूपी, ईडब्ल्यूएस ऑफ यूपी यानी कि यूपी के जो ईडब्ल्यूएस वाले हैं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं लेकिन सिर्फ यूपी के, अदर स्टेट के नहीं, उन्हें जो फीस रहेगी वो 700 रुपीज रहेगी। और एससी एंड एसटी कैटेगरीज ऑफ यूपी, उनके लिए फीस क्या है, 600 रुपीज। चलिए आगे बढ़ते हैं जी। तो करेक्शन ऑफ पर्टिकुलर्स ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म बाय द कैंडिडेट इफ रिक्वायर्ड ऑन ऑनलाइन ओनली। तो देखिए अगर आपसे किसी भी तरह की मिस्टेक हो जाती है, तो यहाँ पे ये आपको डेट दी गई है, ये है आपकी फॉर्म करेक्शन डेट, फॉर्म करेक्शन डेट। तो यहाँ पे आपको 26 और 27 अक्टूबर दी गई है फॉर्म करेक्शन डेट की। एडमिट कार्ड देखिए, टू बी अनाउंस, अभी अनाउंस नहीं किया गया है एडमिट कार्ड कब आएगा। इसी के साथ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट और प्रोवेशनल आंसर की, ये सारी डिटेल्स अभी रिलीज नहीं की गई हैं, जैसे ही वेबसाइट पे अवेलेबल होंगी आपको मैं ज़रूर बताऊंगा। चलिए दोस्तों और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन पढ़ लेते हैं इसमें क्या क्या है। सिटीजन्स कैटेगरी डी पोस्ट, ट्यूबवेल ऑपरेटर कम इलेक्ट्रीशियन, ठीक है, यहाँ पे तो सेम इंफॉर्मेशन है। हाँ तो दोस्तों यहाँ पे हम क्वालिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं कि एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, कौन सी पोस्ट के लिए, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज और पे स्केल। अब देखिए यहाँ पे जो आपको दिख रही है ट्यूबवेल ऑपरेटर कम इलेक्ट्रीशियन कैटेगरी डी वैकेंसी, तो यहाँ पे देखिए ग्रुप डी की टोटल वैकेंसी है ये, आपको ये ट्यूबवेल ऑपरेटर की नहीं, ये टोटल वैकेंसी है 1639 यानी कि 1639। अब इसमें देखिए यहाँ पे प्रोसेस सर्वर की भी है, पीएन वगैरह की भी है, वाटरमैन की भी है, और इसी साथ में स्वीपर कम फेरश की भी है और ट्यूबवेल ऑपरेटर की है। तो ट्यूबवेल ऑपरेटर की टोटल कितनी है ये मेंशन नहीं किया गया है सेपरेटली, टोटल ग्रुप डी की वैकेंसी मेंशन कर दी है 1639। हम बात करते हैं अपने आईटीआई वालों के लिए, देखिए यहाँ पे जो ये है आईटीआई की वैकेंसी, अब इनके लिए देखिए जो पे स्केल रहेगा वो 5200 से लेकर 20200, और ग्रेड पे रहेगा हमारा 1800 रुपये। अब जो आईटीआई है, तो कौन से आईटीआई वाले हैं, तो इसमें इलेक्ट्रीशियन ट्रेड ही एलिजिबल रहेगी, बाकी की ट्रेड एलिजिबल नहीं है, सिर्फ इलेक्ट्रीशियन पास आउट ही इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं। वायरमैन अगर मैं कहूँ या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक वाले, तो वो इस वैकेंसी में अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अब क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए वो भी मैं आपको बता देता हूँ, आपको 8th क्लास पास आउट होना चाहिए, 1 ईयर सर्टिफिकेट फ्रॉम इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट और फ्रॉम एन इंस्टीट्यूट इक्विवेलेंट देयर टू। अब देखिए आईटीआई इलेक्ट्रीशियन जो होता है वो तो होता है हमारा 2 साल का, ठीक है, यहाँ पे मेंशन है कि 1 साल का, तो 1 साल के इसलिए मेंशन है, यहाँ पे आपको दिख रहा है ना
इंस्टीट्यूट इक्विवेलेंट देयर टू। अब देखिए काफ़ी सारी स्कीम्स हैं हमारी वोकेशनल उसकी वोकेशनल क्वालिफिकेशन की या वोकेशनल स्टडीज के रिलेटेड, जहाँ पे इलेक्ट्रीशियन का 1 साल का कोर्स होता है, तो उनके लिए तो 1 साल का है ही। इसके अलावा इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट यानी कि ITI, तो जो ITI का हमारे पास कोर्स है इलेक्ट्रीशियन का, वो तो 2 साल का ही है, तो 2 साल वाले तो इसमें अप्लाई कर ही सकते हैं। इसके अलावा अगर किसी ने वोकेशनल कोर्स किया है जो 1 साल का है, तो वो भी इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकता है। इलेक्ट्रीशियन ITI इलेक्ट्रीशियन वाले बच्चे बिल्कुल परेशान ना हो, आप एलिजिबल हैं, आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं। बाकी देखिए अदर वैकेंसीज आपको दिख रही होंगी, हमने सिर्फ ITI का बता दिया, और बाकी की भी आप देख सकते हैं। प्रोसेस सर्वर इनके लिए ग्रेड पे है और क्या क्या क्वालिफिकेशन है, ये नोटिफिकेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप इजिली पढ़ भी सकते हैं। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं रिजर्वेशन कैटेगरी वाइज किसे कितना मिलने वाला है। शेड्यूल कास्ट के लिए 21% रहेगा, शेड्यूल ट्राइब के लिए 2%, OBC के लिए 27%, और इसके साथ ही EWS इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए 10%, और जनरल कैटेगरी के लिए तो देखिए कोई होता ही नहीं है रिजर्वेशन। बाकी की सीटें अगर कुछ बच जाती हैं तो वह जनरल कैटेगरी के लिए हो जाती है। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन भी आपको देखने को मिलेगा, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन फॉर वुमेन डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर, इस तरह की जो भी कैटेगरीज हैं जैसे कि आपको यहाँ देखने को मिलेंगी, वुमेन है, फ्रीडम फाइटर है, एक्स सर्विसमैन है, फिजिकली हैंडीकैप है और स्पोर्ट्स पर्सन है, तो इनके लिए 20%, 2, 5, 4 और 1% के आपको रिजर्वेशन देखने को मिलेगा। मतलब कि आपके पास वुमेन के लिए भी स्पेशल सीट्स यहाँ पे मिलेंगी। बेनिफिट्स ऑफ रिजर्वेशन शैल बी गिवन ओनली टू कैंडिडेट्स हु आर डोमिसाइल। एक बात का खास ध्यान रखें, अदर स्टेट वाले ये ना सोचें कि आपको यहाँ पे रिजर्वेशन का फायदा मिलेगा, सिर्फ डोमिसाइल ऑफ यूपी के जो हमारे हैं यूपी के रहने वाले हैं सिर्फ उन्हीं को रिजर्वेशन मिलेगा, चाहे वो सब कैटेगरी वुमेन ये वाला रिजर्वेशन हो या फिर SC ST OBC के लिए रिजर्वेशन हो। और जिन द कैंडिडेट्स हु फेल टू प्रोड्यूस डोमिसाइल सर्टिफिकेट शैल बी नॉट कंसिडर्ड एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट अंडर रिजर्व कैटेगरी। इन केस ऑफ वुमेन कैंडिडेट कास्ट डोमिसाइल इशूड फ्रॉम फादर साइड ओनली शैल बी ट्रीटेड एज वैलिड। अब देखिए जिनके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं रहेगा उन्हें एलिजिबल नहीं माना जाएगा कैटेगरी के लिए, और वुमेन कैंडिडेट के लिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट है वो फादर का ही माना जाएगा, इस बात का खास ध्यान रखिए। ऐसा नहीं है कि अगर आपकी, देखिए ये चीज़ स्पेशली क्यों लिखी है वुमेन कैंडिडेट के लिए कि फादर का ही माना जाएगा। अब देखिए अगर कोई फीमेल कैंडिडेट है जो मैरिड है, अब देखिए चाहे वो बिहार की है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर वो बिहार की है और वो शिफ्ट हो गई है यूपी, यानी कि उनका जो हस्बैंड है वो यूपी का है, ठीक है, तो उस कैटेगरी में वो यूपी की डोमिसाइल की वैलिड नहीं मानी जाएगी, ठीक है। इसलिए यहाँ पे ध्यान रखिएगा फीमेल कैंडिडेट जो फादर साइड मतलब कि उनके रहना ही उनका जन्म ही यूपी में हुआ है, सिर्फ वही कैंडिडेट्स इस रिजर्वेशन का फायदा ले सकती हैं फीमेल जो कैंडिडेट्स हैं। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन ठीक है, ये तो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैंने बता दी। और क्या इन्फॉर्मेशन है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एसेंशियल क्वालिफिकेशन मैंने आपको बता दी, इंडस्ट्रियल सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास या फिर इक्विवेलेंट होना चाहिए ट्यूबवेल कम इलेक्ट्रीशियन कैटेगरी डी की वैकेंसी के लिए। चलिए दोस्तों और आगे बढ़ते हैं। हाँ अब बात कर लेते हैं कि सिलेबस क्या रहेगा। सिलेबस के बारे में देखिए तो आपके पास 2 एग्जाम होंगे यहाँ पे, Stage 1 और Stage 2। अब ये देखिए एक साथ लिए जाएंगे या फिर इनमें गैप रहेगा इसके बारे में अभी हम जानेंगे। जो लिख देता हूँ मैं यहाँ पे 2 एग्जाम्स होंगे आपके, ठीक है दोस्तों। अब पहला जो एग्ज़ाम रहेगा वो 90 मिनट का रहेगा और 100 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे। सब्जेक्ट आपको मिलेगा यहाँ पे हिंदी, इंग्लिश, GS और मैथ। इसी तरह से जो सेकंड स्टेज है वो भी आपका सेम रहेगा, हिंदी, इंग्लिश, GS, मैथ, 100 मार्क्स का रहेगा और 90 मिनट्स रहेंगे। देयर शैल बी नो नेगेटिव मार्किंग फॉर इनकरेक्ट आंसर, आपकी कोई भी तरह की नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी, इस बात का खास ध्यान रखिए। क्वेश्चन पेपर अवेलेबल इन बोथ इंग्लिश एंड हिंदी लैंग्वेज में रहेगा क्वेश्चन पेपर, और इसके अलावा इन केस ऑफ बिटवीन इंग्लिश एंड हिंदी वर्जन ऑफ क्वेश्चन पेपर इंग्लिश वर्जन विल बी कंसिडर्ड फाइनल। देखिए अगर किसी भी तरह की आपको पढ़ने में दिक्कत होती है या हिंदी में कुछ मिसिंग होता है हिंदी के क्वेश्चन पेपर में, तो इंग्लिश का पेपर को वरीयता दी जाएगी, ठीक है, इस बात का खास ध्यान रखिए। तो इंग्लिश अगर आपको हिंदी में पढ़ने में कुछ भी दिक्कत हो रही है तो आप इंग्लिश का पेपर जरूर एक बार चेक कर लें, एक ही पेपर में दोनों लैंग्वेज अवेलेबल रहती है। क्वेश्चन पेपर शैल बी एरियाज रिलेटेड टू एंड लेवल मेंशन एसेंशियल क्वालिफिकेशन। अब देखिए उसका लेवल क्या रहेगा वो तो आपकी क्वालिफिकेशन मेंशन की है,
और क्वालिफिकेशन के बेसिस पर ही आपका जो लेवल रहेगा एग्जाम का। द सिलेक्शन कमेटी फिक्स मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन ऑल पार्ट्स बोथ स्टेजेस, स्टेज वन, ठीक है, ये सिलेक्शन कमेटी पास करेगी स्टेज वन रिटन एग्जामिनेशन, स्टेज टू रिटन एग्जामिनेशन। 100 मार्क्स के आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस रहेंगे, यानी कि जो एग्जाम होगा वो आपका एमसीक्यू टाइप होंगे क्वेश्चंस, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस रहेंगे आपको एग्जाम में। वैसे तो अब सभी एमसीक्यू टाइप ही होते हैं, इसमें कोई डिफरेंट चीज नहीं देखने को मिलेगी। कंप्लेंट विल बी हेल्ड वेर यू रजिस्टर्ड ऑफ शेल्ड 100 को टू बी आंसर्ड ऑन ओएमआर शीट। अब देखिए ओएमआर शीट का मतलब क्या है, ये जो आपका एग्जाम रहेगा ना दोस्तों, ये रहेगा आपका ऑफलाइन एग्जाम, सीबीटी नहीं होगा, ऑफलाइन एग्जाम रहेगा ये आपका, यानी कि आपका सेंटर्स पे जाके आपको ओएमआर शीट पे फिल करना होगा। ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स सेकेंड स्टेज वन रिटर्न 5 कैंडिडेट्स अगेंस्ट ईच वैकेंसी कैटेगरी सब कैटेगरी वाइज विल बी शॉर्टलिस्टेड। अब देखिए यहाँ पे एक चीज बहुत ही जरूरी इंपॉर्टेंट दी हुई है कि ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स स्कोर्ड इन स्टेज वन 5 कैंडिडेट्स अगेंस्ट ईच वैकेंसी, यानी कि जितनी भी वैकेंसी है उसका 5 टाइम्स आपको यहाँ पे 5 टाइम्स निकाले जाएंगे, शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे, यानी कि ठीक है हर सीट पे 5 कहा है ना, तो 5 टाइम शॉर्टलिस्ट होकर किया जाएगा आपको फर्स्ट एग्जाम से सेकेंड स्टेज के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंटरव्यू शैल नॉट बी अ पार्ट ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस, इंटरव्यू नहीं लिया जाएगा, इस बात का ख्याल रखना कि आपको सिर्फ रिटन एग्जाम पास करना होगा। अ कंबाइंड मेरिट लिस्ट फॉर ग्रेड कैटेगरी डी वो शैल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टेज वन एंड स्टेज टू। फाइनल मेरिट लिस्ट आपके दोनों ही एग्जाम की मेरिट लिस्ट पे डिपेंड करेगी और उसी पे फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी। स्कीम्स ठीक है, ईच करेक्ट आंसर शैल हैवन मार्किंग स्कीम ऑफ ऑफलाइन। अब देखिए यहाँ पे मार्किंग स्कीम बताई गई है, ईच करेक्ट आंसर शैल कैरी 1 मार्क, सही का आंसर पे 1 नंबर मिलेगा। देर इज नो नेगेटिव मार्किंग, ठीक है हमने पहले भी आपको बताया। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन रहेंगे। इन अ क्वेश्चन इज ड्रॉप ड्यू टू सम टेक्निकल मिस्टेक और एनी अदर मिस्टेक फुल मार्क्स विल बी गिवन टू ऑल द कैंडिडेट। अब देखिए यहाँ पे बहुत ही अच्छी चीज बताई गई है कि जैसे कि अगर कोई भी क्वेश्चन गलत होता है टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से, वो क्वेश्चन गलत है यानी कि उसका आंसर गलत दिया हुआ है, तो उस केस में नंबर किसे मिलेगा? नंबर सिर्फ उसे ही मिलेगा जिसने वो क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है। ठीक है दोस्तों, इस बात का खास ध्यान रखिए कि आपको अटेम्प्ट जरूर करना है अगर आपको कोई भी डाउट है, अगर आपको क्वेश्चन गलत लग रहा है। दूसरी चीज ये, इन केस ऑफ क्वेश्चन इज ड्रॉप ड्यू टू सम टेक्निकल मिस्टेक, अगर किसी भी तरह से टेक्निकल मिस्टेक होती है किसी क्वेश्चन में, तब आपको उस जो क्वेश्चन के हैं फुल मार्क्स दिए जाएंगे ऑल द कैंडिडेट, तो वो सभी कैंडिडेट को मिलेंगे। ठीक है, इस बात का ख्याल रखिए, अगर कोई गलत क्वेश्चन है मतलब कि बोर्ड की तरफ से गलत क्वेश्चन आ रहा है और आपने उसे चेक किया है तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे, लेकिन अगर आपने उसे सिलेक्ट ही नहीं किया है तो वो उसके आपको नंबर नहीं मिलेंगे। दूसरी चीज ये है कि अगर कोई क्वेश्चन मिस हो गया है या प्रिंट नहीं हुआ है सही से, अगर इस तरह का कोई भी आती है दिक्कत क्वेश्चन पेपर में, तो आपको सभी ऑडियंस जितना सॉरी जितने भी हमारे कैंडिडेट्स होंगे जो एग्जाम दे रहे होंगे, उन सभी को मिलेगा, चाहे उन्होंने अटेम्प्ट किया हो चाहे नहीं अटेम्प्ट किया हो, तो ये हमारी कंडीशन है इसमें। आंसर की चैलेंज का यहाँ पर प्रोसीजर लिखा हुआ है, वो आप पढ़ लीजिएगा, आपको ये नोटिफिकेशन मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। डिक्लेरेशन है, जनरल इंस्ट्रक्शन ठीक है, या पढ़ सकते हैं, आपको मैं नोटिफिकेशन मेंशन कर दूंगा। तो ठीक है दोस्तों, ये था हमारा डिटेल नोटिफिकेशन वीडियो हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेटर एट इलाहाबाद, यानी कि हाई कोर्ट की वैकेंसी है कैटेगरी डी की, और जो ये वैकेंसी है वो खास करके मैंने आपको समझाई आईटीआई कैंडिडेट्स के लिए, आईटीआई इलेक्ट्रीशियन के लिए, आईटीआई इलेक्ट्रीशियन कैंडिडेट्स के लिए वैकेंसी रही। तो कैसी लगी आपको ये वैकेंसी? अगर वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, कुछ भी चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है, तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और इसके अलावा इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, मैं आशुतोष सिंह मिलूंगा आपसे एक नई वीडियो में एक नई डिटेल नोटिफिकेशन के साथ।
इसके साथ ही दोस्तों देखिए, पहले भी मैंने डिटेल नोटिफिकेशन वीडियो निकाली है खास करके हमारे आईटीआई स्टूडेंट्स के लिए, फिर चाहे वो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की हो, इसरो की हो, या फिर रेलवे टेक्नीशियन ग्रेड 3 की जो वैकेंसी इंक्रीज हुई है उसके रिलेटेड हो, तो इन सभी के देखिए आपको स्क्रीन पे शो हो ही रहे होंगे। ये वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल पे अवेलेबल है, आप चैनल पे विजिट करके ये वीडियो देख सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इनका लिंक भी दे दिया है और आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक से भी क्लिक करके ये वीडियो देख सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए श्रम इंशाल्लाह।